और जानकी बड़नगढ़ तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत उटबास में गरीब परिवार निवास करता है और यह परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है। ग्राम पंचायत ने गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति को समझा और गांव में रहने के लिए पट्टा दे दिया और गरीब मजदूर परिवार ने उधार पैसे लेकर कर्ज लेकर मकान बना लिया और परिवार के साथ रहने लगा। पर कुछ माह बाद ही तहसील कार्यालय से नोटिस जारी हो गया गरीब परिवार को कि गरीब के आवास मकान ध्वस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा। नोटिस पढ़ते ही देखते ही गरीब परिवार के होश उड़ गए और परिवार के सदस्य सदमे में डूब गए। जैसे ही पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों और समाज के वरिष्ठ जनों को पता चला, वैसे ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, समझाइश दी गई, हौसला अफजाई की गई और साथ ही परिवार के सदस्यों की मदद के लिए ग्रामीण और समाज जनों ने उज्जैन सांसद अनिल फिरोजी से मांग की। साथ ही उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से मांग की कि गरीब परिवार के आवास को बख्शा जाए, उस पर कार्रवाई न की जाए। सरपंच साहब, यह कौन सी ग्राम पंचायत है और जब पट्टा दे दिया था तो फिर अब क्यों गरीब के परिवार को जो है बेदखल किया जा रहा है और वहाँ से क्यों हटाया जा रहा है? नहीं साहब, हमने कोई ऐसा कोई मामला नहीं उठाया कि जो घटा। हमने तो जगह दी, ये गरीब आदमी थे, इनकी इनका बाप लंगड़ा है, भाई लंगड़ा है, परिवार गरीब है, इन्होंने जगह नहीं थी इनके पास कोई रहने के लिए। तो हमने चाह के पश्चात पता चला मुझे कि यहाँ पे प्रशासन जो अधिकारी है, पटवारी और सचिव जो भी है, उन लोगों की लापरवाही है। इनको बेकायदा पंचायत ने पट्टा दिया है, पट्टा मिला है, पट्टा के बाद में सरपंच साहब से अनुमति लेके और ये मकान का निर्माण किया है। अब मकान कोई रातों रात तो खड़ा हो नहीं जाता है, साल भर तक मकान का कार्य चला, क्योंकि एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार किस प्रकार से पैसा एकत्रित करता है ये हमें पता है। उनने किया और सारी पूंजी, अपनी मेहनत की, वर्षों की पूंजी जो है इस मकान में बना के आप खड़ा कर दिया। अब यहाँ के कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज करवा दी और बाद में पता चला, बता रहे हैं कि ये आबादी क्षेत्र में नहीं है और राजस्व की भूमि में है, इस प्रकार का बता रहे हैं। जबकि पट्टा 910 का कुछ सर्वे नंबर बता रहे हैं और उधर 909 पट्टा दिया, रसीद दी, जिसके बाद तहसीलदार साहब ने भी नोटिस दिया। नोटिस के बाद में उन्होंने कितने नंबर में था भाई पट्टा, कितने नंबर जारी हुआ था? पट्टा नंबर तो सब रजिस्टर में देखना पड़ेगा। ठीक है जी भाई साहब, ये जो पीड़ित परिवार है कहाँ रहता है, कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है? वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।